राजस्थान में लंपी वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। लंपी वायरस के कारण राज्य में हजारों गायों की जान जा चुकी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा राज्य की गहलोत सरकार पर हमलावर है। राजधानी जयपुर में भाजपा कार्यकर्ता गहलोत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई है। प्रदर्शनकारी गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पुनिया भी एक बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। गौरतलब है कि राजस्थान में लंपी वायरस की वजह से बीते 3 महीने में 60,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। वहीं 8,00,000 गोवंश लंपी से संक्रमित हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 22 जिलों में लंपी चर्म रोग फैल चुका है। लंपी वायरस से हुई बड़ी संख्या में मौत की वजह से प्रदेश में दूध का उत्पादन भी घट गया है। दूध की कमी से कई जिलों में इसके दाम बढ़ गए हैं। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।